और जी की वैल्यू 10 नहीं हुई। एक मिनट बेटे, 1 मिनट, आप ना दोबारा फिर से बोलिए स्टेटमेंट पार्ट बेटा, दोबारा बोलिएगा। लक्ष्य सर बेटा, वो थी 300, हाँ जी यस बोलिए। सर, यस सर, वो थी 300 जाउल्स ऑफ वर्क थ्री इज टू बी हंड्रेड डन जाउल्स ऑफ वर्क है आगे बेटे। इन लिफ्टिंग अ बैग ऑफ मास 5 kg, मास कितने केजी? 5 kg, 5 kg। 5 केजी, ठीक है जी। वेट अप टू द हाइट ऑफ 4 meter हाइट एच इज 4 मीटर्स। ग्राउंड, व्हाट विल बी द एक्सलरेशन इन एक्सेलरेशन निकाल विद लिया, विच द बैग वॉज डिवाइज्ड, रेज्ड। विद विच द बैग वॉज डिवाइज्ड, और जी की वैल्यू 10 दी है। जी की वैल्यू जो है, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे ही रहे हो इस क्वेश्चन में। आप देखिए, आपका वर्क डन जो है, दिस इज 300 जूल्स के बराबर है। मास आपके पास है और हाइट आपने 4 मीटर रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यू आर टू लिफ्ट दिस बैग, और आपको इस बैग को लिफ्ट करने के लिए कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज व्हाट यू वांट, है ना बेटा। यस सर, चलिए बेटे देखते हैं इसको। आप वर्क डन आपका बेटे डब्ल्यू जो है, ये फर्दर मोर पहली बात तो यह है एमजीएच के बराबर होता है। वर्क डन डब्ल्यू आपको ऑलरेडी गिवन भी है 300 जूल्स के बराबर। वर्क डन आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड के बराबर हुआ करता है, दिस इज वेल नोन टू यू। और बेटे अब थोड़ा सा और फोकस करिएगा, अगर मैं फोर्स की जगह पर मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूं और एस की जगह पर एच लिख दूं, और वर्क डन आपके पास 300 ऑलरेडी है, तो एक्सेलरेशन ए जो है आपका, इट विल बी 300 अपॉन मास आपका है, लेट मी राइट इट एज मास एम एंड एच एस एच, और एक्सेलरेशन फिर आपके पास 300 डिवाइडेड बाय मास 5 kg, एच इज 4 एंड 5 × 4 दैट विल गिव यू 20, 300 डिवाइडेड बाय 20 तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर का अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बनता है। यू जस्ट री चेक योर आंसर एंड टेल लक्ष्य। यस सर, जब मैंने निकाला था तब मेरा भी 15 आया था, पर इधर 5 दिया हुआ है, इधर ओके, लिखा हुआ है वर्क डन इक्वल्स टू MGH प्लस MAH। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक्चुअली बेटे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप मूव कर रहे हो, तो उस केस में आपका एपरेंट वेट बदल जाया करता है। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट टू यू, बट अब ध्यान दीजिए, अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा तो लेट मी इंडिकेट दैट आल्सो बेटे। जब भी आप बेटे किसी बॉडी को एक्सलरेट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उस बॉडी का वेट जो है वो बेटे एम इंटू जी प्लस ए इंटू एच के बराबर होता है, जब आप अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पास वर्क डन डब्ल्यू जो है, इट विल बी ऑब्वियसली एम इंटू एच इंटू जी प्लस ए आप करेंगे इस तरीके से, जी प्लस ए आपका डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एच हो जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, और जी प्लस ए विल बी 300 अपॉन एम आपका 5 था, एच आपका 4 है, जी प्लस ए ये आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है 15, एंड ए विल बी 15 माइनस जी एंड इट इज 15 माइनस 10, इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर जो है अकॉर्डिंगली आप वेल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप अपने माइंड में रखिएगा, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करोगे,
आपका वेट एक्चुअल वेट से बढ़ जाएगा और कितना होगा, इट विल नॉट बी एम जी एच बट इट विल बी एम जी एच प्लस एम जी ए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपका अपना एक्सेलरेशन एड हो जाया करता है। लेकिन जब बच्चों हम बात करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर इक्वली यहाँ पे माइनस भी हो जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, अदरवाइज ये कंसेप्ट आपके लिए मेंट नहीं है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया है दैट्स वेरी नाइस बेटे, अदरवाइज ये चीज के पीछे ज्यादा मत जाइएगा, आप थोड़े बड़े हो जाएंगे आपको बहुत डिटेल में फिर करवाएंगे ये सारे का सारा, राइट बेटा? ओके बेटे, सो डियर चिल्ड्रन विद दिस आइए बेटे आगे मूव करते हैं। इसके बाद हम जैसे अपना न्यूमेरिकल वर्क कंटिन्यू करेंगे, लेट अस कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वी वर ऑलरेडी हैविंग फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी डिस्कस्ड बेटे। सो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर आप डाल लेना, खुद डाल लेना, न्यूमेरिकल है बेटे। नेक्स्ट, हाउ फास्ट ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल्स बेटे। क्वेश्चन इज बेटे हाउ फास्ट ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल्स बेटे। ये आपको बेटे निकालना है, 750 जूल्स के बराबर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और आपको बताना है बेटा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जो है वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी जिसके साथ उसको मूव करना चाहिए बेटा। सो आइए देखिए बेटा, आप काइनेटिक एनर्जी ई को 1/2 एम वी स्क्वायर लिखते हैं और आप इसको 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिएगा, 2 इंटू ई इज इक्वल टू एम इंटू वी का स्क्वायर आप कर सकते हो। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। और इसके बाद बेटे हमारे पास जो वेलोसिटी का स्केयर है एम को भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए, 2e अपॉन एम बन जाएगा। और बेटे जो वी है दिस इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू ई अपॉन एम बेटा, ये चीज आपके पास जो है बन जाती है। सो डियर चिल्ड्रन सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, एनर्जी ई जो है ये बेटे 750 जूल्स के बराबर आपके पास ऑलरेडी है और मास स्मॉल एम जो है ये बेटा 60 केजी का हमारे पास है, एक जीरो आपका कट जाएगा एंड 3 2s are 6 एंड 3 2s are 6 3 5s are 15 ये 2 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों जो वेलोसिटी है अगर आप थोड़ा सा और इसको एक स्टेप आगे ले जाएं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज 5 मीटर्स पर सेकंड, ये वेलोसिटी बेटे आपको जो है ये मिल जाती है। सो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सो आइए बेटे आगे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। वी हैव Find the mass of a body which has 5 joules of kinetic energy while moving at a speed of 2 meters per second, beta. Next numerical hai, beta. Find the mass of a body which has 5 joules of kinetic energy. Bete, kinetic energy aapko 5 joules ke barabar di hui hai. मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द मास ऑफ ए बॉडी, मास आपको रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करना है आपने,
फाइंड द मास ऑफ ए बॉडी विच हैज 5 joules ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 meters per second. और यहां पे स्पीड आपको दे रखा है 2 meters per second का बेटा, ये आपको वर्कआउट करना है. वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस. आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी E जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है, और आपका जो 2E है इट विल बी इक्वल टू m इनटू v का स्क्वायर, एंड m विल बी इक्वल टू 2 इनटू E अपॉन v का स्क्वायर, एंड m विल बी इक्वल टू 2 इनटू E. दिस इज 50 और v आपके पास है 2 एंड अगेन 2. तो मास F, यहां पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, दिस इज विद ए 2 meter per second वेलोसिटी है, और इसका स्क्वायर भी आपको करना है राइट. सो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा. एम विल बी 50 डिवाइडेड बाय 4, और कैलकुलेशन करने पे आपके पास चेक करिए कितना बनता है. दिस इज 25/2 एंड आई थिंक 12.5 के करीब जो है आ जाना चाहिए. एक मिनट बेटे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 हमने इसको एक बार दोबारा फिर से देखिएगा बेटा. काइनेटिक एनर्जी E जो है 1/2 mv² के बराबर हुआ करता है ना बेटे आपका. आपने मास निकालना है, 2 इंटू E इज इक्वल टू m इंटू v का स्क्वायर. 2 इंटू E दिस इज इक्वल टू मास रिक्वायर्ड है, वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस 2m इज इक्वल टू E, m इज इक्वल टू E बाय 2, E आपका 5 है, और 5/2 आपका 2.5 kg आपको मिल जाएगा. सो इन दिस वे आप इसको आंसर कर सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, कोई भी ज्यादा लेंथी काम नहीं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल प्रॉब्लम है. आप इसको अकॉर्डिंगली बेटा सिंपली आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं. देन बेटे आइए फर्दर डिस्कस करें. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है, थर्ड न्यूमेरिकल जो है. ए प्लेयर किक्स ए बॉल ऑफ मास 250 ग्राम एट द सेंटर ऑफ ए फील्ड. ए प्लेयर किक्स ए बॉल ऑफ मास आपको दिया हुआ है 250 ग्राम. ए प्लेयर किक्स ए बॉल ऑफ मास 250 ग्राम एट द सेंटर ऑफ ए फील्ड. द बॉल लीव्स हिज फुट विद द स्पीड ऑफ 10 meter per second. बॉल की स्पीड 10 meter per second. फाइंड द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल. प्लेयर ने कितना वर्क किया. दिस इज विद ए नीडी. फिर से ध्यान दीजिएगा. ए प्लेयर किक्स ए बॉल ऑफ मास 250 ग्राम एट द सेंटर ऑफ ए फील्ड. यहां पे एक बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब प्लेयर ने किक किया बॉल को, किक करने से पहले आपका जो बॉल है दैट वाज एट रेस्ट, तो यू कैन से इनिशियल वेलोसिटी इज 10 meter per second जस्ट बिफोर द प्लेयर किक्स द बॉल. किक करने के बाद कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है. यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल. किक करने में कितना वर्क करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू बेटा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² वर्क डन आप निकालने के लिए w 1/2 मास 250 ग्राम है इसके किलोग्राम बना लीजिए, वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, ये टर्म वैनिश हो जाएगी बिकॉज यू जीरो है. सो इन दिस वे बेटा जरा कैलकुलेट करके देखिएगा ऑल ऑफ यू. यस वेरी नाइस बेटे. सो देखिए 1, 2, 3 तीनों जीरोस कट गई. वर्क डन 12.5 जूल्स के बराबर आपको मिल जाए. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस बेटा. राइट बेटे.
आगे चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. लेट अस यस वेरी गुड बेटी वेरी गुड करते जाइए साथ साथ. आपको बेटी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस. ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट. ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट. मास ऑफ द बॉडी बेटा 5 kg है. इनिशियली ये रेस्ट पे है. इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 N. इस पे एक 20 N का फोर्स अप्लाई किया गया है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 seconds. 10 seconds के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी. दिस इज नीडेड बेटे. मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 N. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 seconds बेटा. तो बच्चों आपको जो काइनेटिक एनर्जी है इस कैलकुलेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए होगा. और वेलोसिटी के लिए आपको उन्होंने ये फोर्स दे रखा है ताकि आप इजीली वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सके. यू नो दैट फोर्स एफ जो है एम इंटू ए के बराबर हुआ करता है और एक्सेलरेशन ए बी माइनस यू बाई टी के बराबर हुआ करता है. इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए. एफ विल बी इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी. इट विल बी देयर. और फोर्स एफ आपका जो है ये 20 N का है. मास 5 kg. दिस इज विद यू. वेलोसिटी बी आप निकालना चाहते हैं. यू जीरो है. टी आपको 10 seconds दे रखा है. सो यू विल गेट दैट बेटा 20 is equal to 5/10 of B or B will be equal to 20 × 2. B is equal to 40 m/s. 40 m/s velocity आपको मिल गई. अब आप kinetic energy yes बेटे बिल्कुल ठीक निकाला आपने. kinetic energy जो है this is equal to 1/2 mv² के बराबर हुआ करता है. it will be 1/2 मास एम. ये आपके पास 5 है. ये 40 का स्क्वायर आपने ऐसे कर दिया. दिस इज 4000 joules. देखिएगा कैलकुलेट करके कि आपकी एनर्जी आपको मिल रही है. काइनेटिक एनर्जी यस गुड. जिन बच्चों का नहीं हुआ एक बार कैलकुलेशन जल्दी से करके देख लीजिए. Whether all of you are getting this answer or not, beta. अगर नहीं बनता तो फिर एक बार बताइए, मैं आपको दोबारा फिर से गाइड कर देता हूँ. आई होप आ गया होगा वैसे सबका. ओके बेटा नाइस. इसके बाद बेटे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. राइट बेटे राइट वेरी गुड. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा. जरा ध्यान से समझ लीजिएगा स्टेटमेंट पार्ट को. ए बुलेट ऑफ मास 20 g मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 m/s स्ट्राइक्स ए ट्री एंड गोज आउट फ्रॉम द अदर साइड विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 m/s. एक बुलेट है. ये इमेजिन कर लीजिएगा कि कोई ट्री है. This way और कुछ इस तरीके से आप ट्री बनाया करते हो. एक ट्री है. ए बुलेट ऑफ मास 20 g. एक बुलेट इस तरीके से फायर की गई है. इस तरीके से इसका मास एम जो है 20 g है. मूविंग विद 500 m/s. इसकी वेलोसिटी इस तरफ जो है This is 500 m/s है. ये इस वुडन ट्री के साथ से ट्राई करने के बाद इधर से 400
मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी जो है इस वेलोसिटी के साथ बाहर आ जाता है इसमें से पास करने के बाद दिस वे. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बुलेट इन जूल्स इन पासिंग थ्रू द ट्री. बुलेट को इस ट्री में से पास करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड टू टैकल दिस न्यूमेरिकल और वी शुड प्रोसीड. सिमरन ठीक है बेटा ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे यू भी दिया हुआ है. व्हाट टू डू विद दैट. आपके पास दोनों टर्म्स हैं, यू भी है वी भी है. व्हाट टू डू विद यू एंड वी. यस ठीक है जी ठीक है. वेरी गुड बेटे वेरी गुड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बेटा वर्क डन डब्ल्यू जो है आप अच्छे से जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ करता है. वर्क डन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर. इसके बराबर जो है ये आ जाएगा. और देखिए 1/2 एम तो आप दोनों तरफ आपका है ही है, दोनों टर्म्स में है, आप कॉमन ले सकते हो इसको. इट विल बी 1/2 एम एंड वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इट विल बी बेटा. अब आप वैल्यूज डाल दीजिए. डब्ल्यू आपके पास जो है 1/2 मास आपका 20 ग्राम का था, इसके आपने बना लिए किलोग्राम. V आपके पास है 400 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर इट विल बी देयर. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 ये जीरोस आपकी कट जाएंगी इंटू 2/100 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आप देख रहे हो. गुड बेटी गुड. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज ए माइनस बी दिस इज ए प्लस बी. आप ऐसे कर सकते हैं और ये टू आपका कैंसल आउट होता है. 1/100 दिस इज माइनस 100 एंड दिस इज 900 ये भी कट गया. W इज माइनस 900 जूल्स. चेक करिएगा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट. 900 जूल्स वर्क डन आ रहा है कि कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है बेटे. सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक करके देखिएगा बेटे. 9 नहीं आना चाहिए. नित्या आपने ये फिर मास को कन्वर्ट नहीं किया होगा. एक बार चेक करना जरा. मास आपने ग्राम्स में यूज नहीं करना है. एक बार रीचेक कर लीजिएगा बेटे. अगर आपने ऑलरेडी इसको बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है और आप यहाँ पे स्केयर वाली टर्म्स को जरा देखिए चेक करके. आपने जब स्केयर किया 400 का स्केयर आपका कितना आपने लिखा है. इट शुड बी 16 के साथ डबल जीरो लिखना पड़ेगा आपको. ये 25 के साथ आपको डबल नहीं फोर जीरोस. डबल तो ऑलरेडी है ही है. तो आप अकॉर्डिंगली एक बार करके देखिए रीअरेंज इसको बेटा. राइट बेटे. ओके सर. एक बार कैलकुलेशन करके देखो फटाफट और मुझे बताओ. अगर नहीं आता तो मैं आपको फिर बताऊं दोबारा. बलजीत गो फॉर द कैलकुलेशन एंड बेटे टेल वेदर यू गेट इट और नॉट बेटा. ओके बेटे नाइस. आई होप कि कई बार कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है पॉइंट्स में. कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा अलर्ट रहा करो फिर आपकी गलती नहीं होगी बेटा. इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. लेट अस फोकस अपॉन दिस वन बेटा. अनसॉल्व क्वेश्चन है ये आपका. आइए देखें इसमें हमें. लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस बेटा. क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 8. ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फाउंड टू पास थ्रू 2 points 30 मीटर अपार्ट इन 4 seconds. मैं लिख देता हूं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. ए बुलेट
ऑफ मास 20 ग्राम इज फाउंड टू पास टू पॉइंट्स फाउंड टू पास टू पॉइंट्स 30 meter apart in 4 seconds, assuming the speed to be constant, find its kinetic energy. ये चीज देखिए आपको दी गई है और आपको काइनेटिक एनर्जी जो है ये निकालनी है यहां पे बेटा। बेटे देखिए मास ऑफ द बुलेट आपको दिया गया है 20 ग्राम इज फाउंड टू पास टू टू पॉइंट 30 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस कवर्ड 30 मीटर है, टाइम टेकन 4 सेकेंड्स का है, assuming the speed to be constant. This is very important point. अगर आप speed को constant assume करके चलोगे then आपको ये बेटे सारे का सारा calculation kinetic energy के लिए करना है। Distance आपके पास है, mass आपके पास है, velocity v आप निकाल सकते हो। This is distance covered upon time taken होता है, डिस्टेंस कवर्ड 30 मीटर का है, टाइम टेकन 4 सेकेंड्स का है, तो ये 7.5 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी जो है आ जाएगा बेटा। और अगर वेलोसिटी इतना आ जाता है देन बेटे काइनेटिक एनर्जी जो है बुलेट का इट विल बी इक्वल टू 1/2 एम बी का स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2 मास 20 ग्राम के किलोग्राम बना लीजिए। वेलोसिटी को अगर ऐसे नहीं लिखना ना आपने 15/2 आ रहा है इसका स्क्वायर कर लो फिर थोड़ा इसको आपको कैलकुलेशंस में आसानी रहेगी। और ये देखिएगा आपके पास फिर एक जीरो ये भी कट गया, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 2 चेक करना पुत्र कितना आता है। ऑल ऑफ यू पॉइंट्स में आएगा कुछ, यस 0.5625 ठीक लग रहा है मुझे बिल्कुल। तो ये आपका बेटे आफ्टर कैलकुलेशंस काइनेटिक एनर्जी 0.5625 जूल्स के बराबर का आ रहा है बेटा। सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिएगा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट बेटा। इसमें इस न्यूमेरिकल में स्पेशली उन्होंने एक आपको बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि स्पीड को आपने कांस्टेंट अज्यूम करना है। अगर आप स्पीड को कांस्टेंट अज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली स्पीड आपका डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन के बराबर है, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, स्पीड आपने निकाल लिया और मास को ग्राम्स में बिकॉज आपको दिया गया है इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। वंस यू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स बेटे फिर आपकी कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। सिंपली काइनेटिक एनर्जी का जो आपका रिलेशनशिप है E is equal to 1/2 mv square उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट इट कैलकुलेटेड। एनी पॉइंट बेटा कोई नहीं समझ आई हो बात बताइएगा। ओके बेटे ऑल वेल सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अगर आप लोगों को कोई बात कहनी है बतानी है पूछनी है यू आर मोस्ट वेलकम बेटा बिफोर आई एंड द मीटिंग। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन वेरी नाइस बेटे। तो आपने वर्क डन और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए अलोंग विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू ऑल बेटा।